बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहें। नाज़रीन, इस शख्स को देखिए, ये हैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। जब आपको मैं वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, आप ये वाक़या सुन के आपका ईमान ताज़ा होगा और आप रश्क रश्क करेंगे। ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जो कि शाम के सुल्तान थे, 1557 हिजरी में ये वाक़या पेश आता है। ये तारीख़ मदीना की तमाम किताबों में बिलखसूस ये जो वाक़या मैं कोट कर रहा हूँ, शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब से, तारीख़ मदीना से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या ऐसा है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जो कि बादशाह होता है, शाम को सोता है। एक तरफ उसकी बादशाहत का इंतज़ाम, उसका दिलो इंसाफ, उसका तकवा, उसकी परहेजगारी, शरीयत का पाबंद होना, सुन्नत रसूल का पाबंद होना, वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन देखिए कितने बड़े फ़र्ज, कितने बड़े मनसब के लिए उसको मुंतखब किया गया। ज़रा आप सुनेंगे वाक़या तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसे लगता है कि तारीख़ में चंद उन लोगों में शुमार होता है जिनको डायरेक्ट कोई वजीफ़ा या कोई ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक दिन शाम रात को नमाज के बाद सोते हैं, जो कि उनका मामूल होता है, और रात जो पहर हो जाता है, ज़रा रात गहरी हो जाती है, उस वक्त जाके उठते हैं और वो नवाफिल वगैरह अदा करते हैं। आप शाम को रात को जब सोते हैं, आँख लगती है आपकी, तो ख्वाब में ज़ियारत होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब ज़ियारत होती है तो ख्वाब में क्या देखते हैं, ये अभी ड्रामा भी चल रहा है सलाहुद्दीन अयूबी, उसमें भी ये वाक़या कोट किया गया है, वहाँ पे भी ये वाक़या भी, दो हफ्ते पहले की जो किस्त गुजरी है उसके अंदर ये वाक़या भी है। आप इस सलाहुद्दीन अयूबी जो ड्रामा सीरियल चल रहा है उसको भी ज़रूर देखें। उसके अंदर जो अगर मुख्तलिफ़ किताबों को देखा जाए जहाँ जहाँ ये वाक़या कोट किया गया है, तो मैं आपको मुस्तनद जो हवाला है उसके ज़रिए बात पहुँचा रहा हूँ। तो वो जब सोते हैं तो उनको ख्वाब में एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं और वो बुज़ुर्ग के साथ गुफ्तगू करते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, बाज़ार में खड़े होते हैं उस वक्त। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा हट के वो सामने दिखाते हैं तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने नज़र आ रहा होता है। वो आँख अश्कबार हो जाते हैं और उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते कि मैं इस काबिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा दिया गया। इतनी देर में दो शख्स वहाँ भागते हुए जिनके कंधों के ऊपर बोरियाँ लदी होती हैं और वो कुछ ले के जा रहे होते हैं, वो जब देखते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को तो वो भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी देर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे मुखातिब होते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के मुझे ये वाक़या क्या है, मैं कहाँ पे हूँ और ये सब क्यों पेश आ रहा है। तो आप जो बुज़ुर्ग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र अनवर है उसके पास कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप सल्लम तकलीफ़ में हैं, तो आपको एक ज़िम्मेदारी के लिए एक ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया है। तो वो वहाँ पे वो जो ज़िम्मेदारी होती है उसकी वजाहत चाहते हैं कि ऐसी क्या ज़िम्मेदारी है। इतनी देर में उनकी आँख खुल जाती है। ये वाक़या जब पेश आता है तो उसके बाद बड़े बेचैन होते हैं, उठते हैं और अपना जो मुशीर होता है उसका नाम होता है जमालुद्दीन अस्फहानी, उसको बुलाते हैं, उससे वाक़या शेयर करते हैं। अगले ही दिन एक शख्स सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी वहाँ उसकी सल्तनत में जो है वो वहाँ पे पेश होता है और वो कहता है कि मैं एक जो है वो शिकायत लेके आया हूँ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, मैंने उससे मिलना है। मशीर उसके जमालुद्दीन अस्फहानी जो है वो उससे जो सुल्तान होता है उससे मिलवाने के लिए उसको ले के आते हैं। जब मिलवाया जाता है पहले तो वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं क्या शिकायत है, कहते हैं नहीं मैंने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी से मिलना है। आपको मिलवाया जाता है, जब वो शिकायत सामने रखते हैं तो वो ख़ुद बताते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। वो बुज़ुर्ग आके दूसरा जो है वो कोट कर रहे होते हैं कि मुझे भी ज़ियारत हुई और आपके ज़िम्मे एक काम लगाया गया है, और वो ज़िम्मेदारी वाज़ेह नहीं करते, लेकिन उस ख्वाब के अंदर ही उस जो वाक़या है या जो मसला है वो बयान किया गया है। जब नूरुद्दीन ज़ंगी
बैठ के सोचते हैं तो उनको समझ आ जाती है। उसी वक्त अपने मुशीर को कहते हैं कि साजो सामान बांधो और हम खामोशी से अपने चंद लोगों के साथ मदीना पाक तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पे ये जो वाक़या है और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के आसपास कोई वाक़या पेश आ रहा है, हम उसकी जाके तहकीक करेंगे और उन लोगों को अंजाम तक पहुँचाएँगे। जहाँ इसके बाद ये वाक़या सुनने वाला था, जब नूरुद्दीन जंगी को वो मुखातिब करके बुज़ुर्ग बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब करके कहा कि मेरा उम्मती नूरुद्दीन जंगी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है, उसे जाके ये बात पहुंचा दो। जब ये बात सुनते हैं तो एक वजद की कैफियत होती है, अश्क बार आँखें होती हैं, क्या कैफियत होती है हर मुसलमान इसका अंदाज़ा लगा सकता है। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उस वाक़े के जो कब्र अनवर है वहाँ पे ये जो साजिश की गई होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ एक सुरंग खोदी गई होती है और उस सुरंग के ज़रिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म असद जो है जिस्म अकदस उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, तो वो उस वाक़े को नाकाम नूरुद्दीन जंगी करते हैं और उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है पुख्ता उस निसार कायम कर दिया जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये खुश नसीबी हासिल होती है कि वो ना सिर्फ उनको उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाता है बल्कि उसके बाद उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के आसपास जो है वो हिसार भी बनवा देता है। तो ये तारीख़ में एक ऐसा वाक़या है जिसमें जो मुसलमान इसको सुनेगा उसका ईमान एक दफ़ा ताज़ा होगा और फिर वो एक हर बंदा ये चाहता है, मतलब हर एक की ख्वाहिश होगी, हर एक ख्वाहिश रखता है ऐसा कोई वजीफ़ा या ज़िम्मेदारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से डायरेक्ट अता हो। तो कैसा वो खुश नसीब था, एक तो उसके अदल व इंसाफ, उसका शरीयत पर अमल करना, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन उसकी खुश नसीबी पर इंसान अश्क अश्क करता है। और अभी जो ड्रामा चल रहा है सलाउद्दीन अय्यूबी, फिर अंदाज़ा लगाइए उसी की नस्ल में से, यानी उसकी औलाद जो वो अय्यूबी ख़ानदान से बेटा लेता है सलाउद्दीन अय्यूबी, तो आप अंदाज़ा लगाएं वो जाके कुद्स को फतह करता है। यानी कैसी कैसी चीज़ें जुड़ी हुई है और ये किरदार और इन चीज़ों पे बेस करती है कि उन लोग किन लोगों का इंतखाब करते हैं और किन के ज़रिए आगे रियासत और रियासत के अमूर चलते थे। अल्लाह ताला हमें आज भी ऐसे सही हुक्मरान अता फरमाए जो हमारी आवाम का सोचें और जिन पर ऐसा करम और ऐसा शरफ हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के जो हैं वो मुंतखब लोगों में शुमार हो जाएं, अपना और अपने चाहने वालों।